तो मेरे भाइयों, आप लोग जब शॉपिंग जाते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्लॉथिंग आइटम आता है, वो है शर्ट। और आप बहुत से शर्ट देखकर कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा लें जो मुझ पर अच्छा लगे तो भाई, और आपके बजट में भी हो। तो भाई, आपकी कंफ्यूजन दूर करते हुए इस वीडियो में 6 अफोर्डेबल शर्ट के बारे में बताऊंगा जो आपके पास होनी चाहिए, और ये हर स्किन टोन पर अच्छी लगती है, फिर चाहे आप गोरे हो या सांवले। तो पहले नंबर पर है प्लेन ब्लैक शर्ट, जो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक कलर बहुत ही ज्यादा वर्सटाइल होता है, जिसे आप किसी भी बॉटम वेयर के साथ आसानी से मैच करके पहन सकते हो, जिसे आप कॉलेज पहनकर जा सकते हो या आप किसी कैजुअल पार्टी में पहनकर जा सकते हो। और भाई, ब्लैक कलर आप किसी की शादी में भी पहनकर जा सकते हो। बस भाई, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जितनी भी शर्ट मैं आपको बताऊंगा, उनको आप अपने बॉडी के हिसाब से फिटेड होनी चाहिए, आपके बॉडी के हिसाब से, तभी वो आप पर ज्यादा अच्छी लगेंगी। तो भाई, दूसरी शर्ट है जो आपके पास होनी चाहिए, वो है एक प्लेन व्हाइट शर्ट। भाई, व्हाइट शर्ट आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि व्हाइट शर्ट भी बहुत ज्यादा वर्सटाइल होता है, जैसे कि ब्लैक कलर होता है, जिसे आप किसी भी बॉटम वेयर के साथ आसानी से मैच करके पहन सकते हो। आप व्हाइट शर्ट को जीन्स के साथ पहन सकते हो, चीनों के साथ पहन सकते हो, और व्हाइट शर्ट को जॉगर के साथ भी पहन सकते हो। आप व्हाइट शर्ट को ओकेजन में पहन सकते हो, पहनकर जा सकते हो। आप व्हाइट शर्ट को कॉलेज पहनकर जा सकते हो, ऑफिस पहनकर जा सकते हो, कैजुअल पार्टी में पहनकर जा सकते हो, और आप व्हाइट शर्ट को शादी में भी पहनकर जा सकते हो। व्हाइट शर्ट का एक और बेनिफिट है कि आप लेयरिंग कर सकते हो, क्योंकि ये लेयरिंग के लिए पहला ऑप्शन होता है। आप लेयरिंग में जैसे कि जैकेट या ब्लेजर को लेयर कर सकते हो, क्योंकि व्हाइट कलर सबसे पहला ऑप्शन होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। तो भाई, तीसरा शर्ट है एक डेनिम शर्ट। भाई, अगर आपको सभी लोगों से अलग दिखना है और स्टाइलिश दिखना है तो आपके पास एक डेनिम शर्ट होनी चाहिए, क्योंकि डेनिम शर्ट हमें एक माचो मैन लुक देता है। और भाई, हम डेनिम शर्ट टी शर्ट के साथ लेयर करके पहन सकते हैं, जिसे हम बहुत स्टाइलिश लगते हैं। और अगर लेना चाहते हो तो आपको प्लेन डेनिम शर्ट लेनी है, ना कि इस तरह की, जिस तरह की आपको इमेजेस में दिख रही हूँ, क्योंकि ये हर लड़के के ऊपर अच्छी नहीं लगती। तो भाई, चौथी शर्ट है प्रिंटेड शर्ट। अब भाई, प्रिंटेड का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी प्रिंट शर्ट उठा लो और पहन लो, नहीं भाई, आपको कुछ इस तरह की प्रिंटेड वाली शर्ट लेनी है, छोटे छोटे प्रिंट यानी पैटर्न होने चाहिए। अगर आपकी हाइट थोड़ी छोटी है मेरी तरह, तो आप कुछ इस तरह की वर्टिकल लाइन वाली शर्ट पहन सकते हो, जिसमें आप दिखने में थोड़ा लंबे दिखोगे। और अगर आप एक पतले लड़के हो यानी स्किनी गाय हो, तो आप इस तरह के हॉरिजॉन्टल लाइन वाली शर्ट को पहन सकते हो। अब भाई, बात करते हैं अपने पांचवे कलर यानी पांचवे शर्ट, जिसमें मैंने लिया वाइन रेड मैंड्रियन नेक शर्ट। ये एक शर्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये मेरी भी पहली पसंद है, और मेरे पास भी ये शर्ट है, जिसको आप गोल गले वाली शर्ट भी बोल सकते हो, जो कि मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है। भाई, वाइन रेड कलर में आप सुपर डुपर अट्रैक्टिव लगोगे। भाई, एक बार जरूर आप इसको ट्राई जरूर कर लेना। ये शर्ट दो तरह की पैंट के साथ आप बहुत ही अट्रैक्टिव लगोगे अगर आप मैचिंग करते हो। पहले नंबर पे ब्लैक, दूसरे नंबर पे ग्रे। इस शर्ट को आप किसी भी कैजुअल पार्टी में पहन के जा सकते हो, किसी की शादी में भी पहन के जा सकते हो, और बहुत ही अट्रैक्टिव लगोगे। तो भाई, बात करते हैं छठे कल शर्ट की, जो कि लास्ट शर्ट भी है। इसमें मैंने लिया है चेक शर्ट। अगर भाई आपको कैजुअली घर में, कॉलेज में या ऐसे कैजुअली पहन सको, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि आप एक चेक शर्ट लो। तो भाई, चेक शर्ट भी तीन तरह की आती हैं। एक होती है सिंगल चेक शर्ट, एक होती है डबल चेक शर्ट, एक होती है ट्रिपल चेक शर्ट। इनमें से आपको डबल या ट्रिपल चेक वाली शर्ट लेनी है, क्योंकि सिंगल चेक शर्ट ज्यादा अच्छी नहीं लगती है हम पर। और हाई चेक शर्ट को हम डेनिम की तरह लेयर भी कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत स्टाइलिश लगते हैं। तो भाई, अगर आप मार्केट जाते हो शॉपिंग के लिए और शर्ट लेना चाहते हो, तो ये वाली शर्ट आप ट्राई आउट कर सकते हो। तो भाई, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी आपको स्टाइलिश दिखाने में। तो मेरे भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके काम आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि कभी मैं भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और हाँ भाई, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।